4 into 8 bit resistor. जो हमारा flip flop होता है, एक flip flop हमारे एक bit को store करता है. और जब हमारे 4 flip flop जुड़ जाते हैं, इसका मतलब वो 4 bit को store करेंगे. और वो एक resistor की तरह work करते हैं. और 4 into 8 bit resistors में हमारे 4 resistors जुड़े होते हैं. यानी कि एक रजिस्टर 8 बिट डाटा को स्टोर करता है और इनपुट से हम 8 इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं जो 0 टू 7 ये 8 इनपुट्स हैं. ये हमारा इनपुट बफर है और इसमें हम अपने 2 एड्रेस लाइंस का यूज करते हैं. ये जो एड्रेस लाइंस होती हैं इनके अपने अपने कोड होते हैं 00011011. अगर हमारा ये हमारे कंट्रोल अनेबल सिग्नल से कंट्रोल होते हैं. अगर हमारा 00 ए नोड और ए 1 00 है तो हमारा रजिस्टर 0 वर्क करेगा, 01 है तो रजिस्टर 1 वर्क करेगा, 10 है रजिस्टर 2 वर्क करेगा, 11 है रजिस्टर 3 वर्क करेगा. इस तरह से वर्क करते हैं और इनपुट से हम कोई भी सिग्नल को राइट करते हैं रजिस्टर में स्टोर करता है. इसमें 2 into 4 डिकोडर लगा हुआ है क्योंकि इसमें हम 4 बिट्स में 4 तरह से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं और अलग-अलग रजिस्टर के लिए अलग-अलग एड्रेस दिया हुआ है और किसी को भी हम अनेबल कर सकते हैं. और आउटपुट बफर से हम रीड सिग्नल से हम आउटपुट ले सकते हैं. इसमें हमारे 4 into 4 2 चिप्स लगी हुई हैं. ये हमारी चिप्स, ये हमारे जो हमारा 4 into 8 bit रजिस्टर है उसी का ही डायग्राम है. ये 4 into 4 वन चिप है, ये सेकंड चिप है. इसमें 0 to 3 यानी 4 इनपुट है, इसमें 4 to 7 यानी कि इसमें भी 4 इनपुट हैं और 4 ही आउटपुट आ रही हैं. और दोनों के लिए हमें दो एड्रेस 0 और 1 एड्रेस किया गया है. और अगर हम 3 एड्रेस बसेस का यूज करते हैं, इस कंडीशन में हमारे पास जो हमारी 3 एड्रेस बसेस हैं उनको हम डिफरेंट कोड्स दे देते हैं. ये हमारे यानी अगर 3 एड्रेस बसेस का यूज किया गया है टोटल 8 रजिस्टर्स के लिए तो हमारे पास ये उनके कोड्स हैं जिनको हम 8 वे में लिख सकते हैं. ये 0 से लेकर 7 तक. और अगर हमें कोई भी, अगर मान लो हमने रजिस्टर 3 को एक्टिवेट करना है तो हमें अपना 011 यानी 0 1 और 1 ये कोड देना पड़ेगा जिससे हमारा रजिस्टर 3 एक्टिवेट हो जाएगा. रीड हमारे इनपुट करवाता है और राइट हमारे आउटपुट पे आउटपुट देता है. और यहां से ये हमारे इनपुट आउटपुट बसेस हैं. रीड राइट के और हमारी इनपुट आउटपुट बसेस के साथ हमारे रजिस्टर्स कंबाइन होते हैं. और इनको अगर हम मेमोरी चिप में देखते हैं तो हमारे 4 रजिस्टर एक चिप में मेमोरी चिप में हमारे 4 रजिस्टर्स एक चिप में कंबाइन होते हैं और दूसरी चिप में हमारे अनदर 4 रजिस्टर यानी 0 टू 3 रजिस्टर्स एक चिप में और 4 टू 7 रजिस्टर्स एक चिप में. इसमें हम 3 एड्रेस बसेस देते हैं 0 1 और जो थर्ड वाली एड्रेस बसेस होती है यानी A2 एड्रेस बस होती है ये दोनों चिप के लिए कॉमन होती है. अगर हमारी A2 0 होती है तो हमारा ये M1 मेमोरी वर्क करती है और अगर ये 1 होती है तो हमारी M2 मेमोरी वर्क करती है. और इनके ये हमारे डाटा एड्रेस कोड हैं जिनके अकॉर्डिंग हमारे रजिस्टर्स वर्क करते हैं. और इस तरह से हमारी ये मेमोरी चिप जो हमारी 4 रजिस्टर की है, पहले हमने 2 रजिस्टर की मेमोरी चिप की थी जिसमें हमने 4 रजिस्टर्स लिए थे, ये हमारी 3 एड्रेस बसेस वाली चिप है जिसमें हमने अपने 8 रजिस्टर्स का वर्क करवाया है. इस तरह ही हम 4 का भी करवा सकते हैं और 6 का भी करवा सकते हैं. ये हमारा 4 into 8 flip flop 8085 microprocessor. Thank you.